नीट की परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं। ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, जो उम्मीदवार फिर से परीक्षा देना नहीं चाहते उनके स्कोर कार्ड बदले जाएंगे, उन्हें बिना ग्रेस के नंबर दिए जाएंगे। यानी कि एग्जाम दोनों एक विकल्प उनका उनके सामने होगा। नीट परीक्षा में उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर दिए गए थे जिनकी परीक्षा देरी से शुरू हुई थी और लॉस ऑफ टाइम की भरपाई के लिए उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। विवाद बढ़ा इसी ग्रेस नंबर पर, फिर उसके बाद एक के बाद एक कई और तरह के आरोप लगने लगे। साढ़े 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते हैं, सक्सेसफुली कराते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपने संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन में, पेपर लीक का मामला आया है। तो धर्मेंद्र प्रधान का यहां पर साफ तौर पर यह कहना था कि एनटीए ने अब जवाब दे दिया है, बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा के लिए बैठते हैं जिनका भविष्य इससे तय होता है, मेडिकल की ये परीक्षा है, और अब इसमें एनटीए का जो जवाब आया है उस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि अभी किसी सजा का या फिर किसी भी जांच एजेंसी का गठन नहीं किया गया है, ये नहीं कहा गया है कि इस पर एसआईटी की जांच की जाएगी, ये कोर्ट की तरफ से भी आदेश नहीं आया है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी इसका आश्वासन जरूर मंत्री जी दे रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है, नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1500 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते हैं, सक्सेसफुली कराते हैं, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है।
शिक्षा मंत्री का आश्वासन आपने सुना, लेकिन सवाल यह है कि जहां बात लाखों छात्रों की, वहां पर से 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का उनके पास विकल्प होगा। हमारे दो संवाददाता कनु शारदा और संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कनु, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार जब नीट के एग्जाम में छात्र उतरे थे जिसका 650 मार्क्स आए थे, उसके लगभग मान लीजिए लगभग 10,000 रैंक आई थी, इस बार वही रैंक 40,000 आए। ये सवाल है कि यहां तो बहुत बड़ा अंतर है, ये इस अंतर की क्या जांच होनी चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए? सृष्टि हमारे साथ है। सृष्टि, जी बिल्कुल राजीव, जैसा कि आपने कहा नीट से जुड़े हुए जो एग्जाम हुई है और जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, कितने बच्चों को जो हाईएस्ट स्कोर्स आए हैं, ये सारे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं।